नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। कैसा रहने वाला है हमारा आगामी सप्ताह, क्या कुछ होने वाला है इस सप्ताह हमारे जीवन में और कैसे करनी चाहिए हमें अपने दिन की शुरुआत, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, हमारी कुंडली में जो 12 घर होते हैं, 12 घर में एक चक्र आपने अपनी कुंडली में बना हुआ देखा होगा, तो उसमें अलग अलग घर का एक अपना विशेष महत्व होता है, क्योंकि उन घरों में बैठे रहते हैं अलग अलग ग्रह। तो आज हम चर्चा करेंगे अपने दूसरे भाग में कुंडली के पहले घर में बैठे हुए ग्रह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। प्रदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका स्वागत अभिनंदन। नमस्कार। चलिए प्रदीप जी से इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे कुंडली में ग्रहों के बारे में, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं राशि से। क्या कहते हैं इनके योग और कैसा रहने वाला है इनका आगामी सप्ताह, जानते हैं जिसे प्रदीप जी पहले तीन राशि जी। तो पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रिजल्ट लेके आने वाला है। सबसे पहले आपकी इस सप्ताह में एक ट्रैवलिंग होने वाली है, ट्रैवलिंग भी आपकी होने वाली है किसी न किसी रिलीजियस प्लेस पे, यानी कि किसी न किसी धार्मिक स्थान पर आप एक यात्रा करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है वो इम्प्रूव होने वाला है, यानी कि कुछ किन्हीं न किन्हीं रास्तों के माध्यम से आपके पास धन का आगमन होगा। इसके साथ साथ इस सप्ताह आपका जो व्यक्तित्व होगा वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। एक जैसे व्यापारी का होता है कि वो ये देखता है कि किस काम में मुझे प्रॉफिट है, किस काम में मुझे नुकसान है, तो हर चीज़ में वो एक एक आने का हिसाब रखता है। तो उस तरह का कुछ व्यक्तित्व आपका इस सप्ताह होने वाला है। यात्राएं भी करेंगे, फाइनेंशियल गेंस भी होंगे और व्यापारिक दृष्टिकोण आपका डेवलप होने वाला है, यानी कि ट्रेड के लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे और अभी तक उनका वीज़ा नहीं लगा था, तो इस सप्ताह उनका वो वीज़ा लग सकता है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए भी ये सप्ताह विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पिता का स्वास्थ्य कुछ हद तक डिस्टर्ब रह सकता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके अलावा हर प्रकार की चीज़ों में आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। तो वृष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी नकारात्मक वे में होगी, यानी कि सोमवार मंगलवार को आपको काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। और मानसिक तनाव का कारण जो आपके लिए रहने वाला है वो होगा आपका प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि वहाँ पर किसी न किसी प्रकार की ऐसी स्थिति होने वाली है जैसे कि आपको लगे कि मुझे दबाया जा रहा है या मुझे उतना काम नहीं दिया जा रहा है या आपके काम की सराहना नहीं हो रही है। आपको ऐसा फील होगा कि आपका अधिकार जो क्षेत्र है उसमें कमी आ रही है, उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन उस परिस्थिति में आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप 3 दिन संयम बना के रखिए, सोमवार से बुधवार तक, और सप्ताह के अंत तक आते आते आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी आपका साथ देगा और आपको प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे आपकी पहले अच्छी प्रोफेशनल लाइफ चल रही थी, उसी प्रकार से वापसी मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और आपका अधिकार क्षेत्र भी वापसी पुनः आपको दे दिया जाएगा या आपको और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया जाएगा आपके अधिकार क्षेत्र को। इसके साथ साथ फाइनेंशियल गेंस की दृष्टिकोण से भी ये सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वहाँ पर भी आपको फाइनेंशियल गेंस होने वाले हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस चल रहा था या किसी से मुकदमा चल रहा था विशेषकर फाइनेंस को लेके, यानी कि किसी ने आपके पैसे नहीं दिए थे और आपने उनके ऊपर केस किया हुआ था, तो इस सप्ताह वो नतीजे आपके फेवर में आ सकते हैं और आपको वहाँ से फाइनेंशियल गेंस या जो आपका गया हुआ पैसा है वो वापसी मिल सकता है। यानी कि फाइनेंशियल गेंस की दृष्टि से विशेषकर मुकदमे के कारण वहाँ पर ये सप्ताह आपको आपके फेवर में रिजल्ट लेकर आने वाला है। तो इस प्रकार का रहने वाला है वृष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत सबसे पहले इस बात से होने वाली है कि अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो इस सप्ताह आपको कोई ना कोई रिश्ता फाइनल कर पाएंगे और आपकी शादी पक्की हो सकती है। इसके साथ साथ
जो आपका इस समय कोई भी व्यापार अगर आप करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अगर किसी भी प्रकार की फाइनेंस की आवश्यकता पड़ रही है और आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं और इन्वेस्टर अभी तक अगर आपको नहीं मिले हैं तो इस सप्ताह आपको इन्वेस्टर्स मिलने वाले हैं। आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करने वाला है, एक्सपेंड करने वाला है। इसके साथ साथ आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होने वाली है, लेकिन आपको किन्हीं कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इस सप्ताह में चूंकि आपके कार्य आपके हिसाब से फलीभूत होंगे, तो ऐसे में ऐसे आपके अंदर फीलिंग आ सकती है कि सब कुछ मेरे ही कारण हो रहा है, यानी कि अहम का शिकार आप हो सकते हैं, यानी कि सब कर्ता धर्ता मैं ही हूँ, और इसके कारण आपको आगे चल के पछताना पड़ सकता है। तो इस सप्ताह आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है ग्रेटिट्यूड की, यानी कि जो भी कार्य है, जो भी आपके कार्य सफल हो रहे हैं उसके लिए आप धन्यवाद देना ना भूलें परमात्मा को भी और जो भी उस कार्य को सफल कराने में आपका सहयोग कर रहे थे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे भी आपके हिसाब से कार्य होते रहेंगे और आपको हर क्षेत्र में तरक्की मिलती रहेगी। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए, तो कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा। सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पिछले सप्ताह भी आपको हेल्थ की कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, विशेषकर इस सप्ताह में आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है और उसके कारण आपको और ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इस सप्ताह पेशेंस बनाकर रखना है और किन्हीं भी बातों को आपको ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अगर कोई कार्य आपके हिसाब से नहीं हुआ है या आपके फेवर में नहीं हुआ है या किसी ने आपकी बात नहीं मानी है तो उसको दिल से ना लगाएं, लेट गो करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस सप्ताह को भी आप बर्बाद कर लेंगे और पूर्ण रूप से आप स्ट्रेस में रहेंगे, जिसके कारण से आपको कुछ और हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। तो इस सप्ताह मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि आप नित्य प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और डेली शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मानसिक शांति की भी प्राप्ति होगी तथा जो भी आपकी हेल्थ है उससे जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपको समस्या चल रही है तो उससे भी आपको निजात मिल पाएगी। इसके साथ साथ जो आपका कार्य क्षेत्र है, अब अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं और वहाँ पर मेंटेन करके रखते हैं अपनी मानसिक स्थिति को, तो उसके बाद आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेंगे और अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर वही होगा कि जो आप करना चाह रहे थे वो नहीं होगा, सिर्फ डिले हो जाएगा। होगा तो सही लेकिन वो डिले हो जाएगा। इसके साथ साथ जो आपका सामाजिक क्षेत्र है, जो आपका संगति है, वहाँ पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी के कहने में आकर कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें, जल्दबाजी में विशेषकर कोई डिसीजन ना लें जिसकी वजह से आपको आगे पछताना पड़े, विशेषकर इन्वेस्टमेंट को देखते हुए। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, तो सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह आपके संतान पक्ष से विशेषकर ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। धर्म कर्म में भी आपकी विशेष रुचि रहने वाली है, यानी कुछ धार्मिक अनुष्ठान आप घर पे करा सकते हैं इस सप्ताह में, कोई ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं जो धार्मिक स्थानों की होगी और वो भी विद फैमिली आप करने वाले हैं, और आपकी संतान आपके भाग्य उदय का कारण बनने वाली है इस सप्ताह, यानी कि उनके माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें आपका भाग्य आपको सपोर्ट करने वाला है। इसके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई पैतृक संपत्ति थी और वहाँ से अभी तक आपको वो लाभ नहीं मिल पा रहा था या वो आपके नाम पर नहीं आ पा रही थी तो इस सप्ताह वहाँ पर भी आपको विशेष लाभ देखने को मिलेंगे, यानी कि पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ जो जातक रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, जो भी किसी प्रकार का रिसर्च कार्य करते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ वो ऐसे रिसर्च कर पाएंगे जिससे आगे चलकर उनका नाम होने में उनको सहायता मिलने वाली है, यानी कि उस रिसर्च के कारण कुछ ऐसा इनोवेशन आप कर पाएंगे जिससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। धार्मिक अनुष्ठान आप करेंगे, संतान आपके भाग्य का कारण बनेगी और रिसर्च वर्क में आपको विशेष रूप से अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए, तो कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह हर प्रकार से अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो जो आपका घर का सुख है उसमें वृद्धि होने वाली है, यानी कि आप घर पर समय बिता पाएंगे और बच्चों के साथ फैमिली के साथ आप पूर्ण समय दे पाएंगे और वहाँ पर आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। इसके साथ साथ जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पर भी आपको आपके अनुकूल रिजल्ट मिलने वाले हैं, लेकिन इस सप्ताह आप उतना फोकस नहीं करेंगे, यानी कि आपका ज़्यादातर समय अपने परिवार के साथ बीतेगा, वहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने में आपको बीतने वाला है। इसके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई लिटिगेशन था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, किसी प्रकार से कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था या आपके सबॉर्डिनेट्स या जो आपके अंडर में जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो आपको परेशान कर रहे थे, तो उन सब से छुटकारा इस सप्ताह में आपको मिल जाएगा।
या कोई भी साजिश करता अगर आपके खिलाफ साजिश कर रहा था, तो वहाँ पर भी आपको वो साजिश उनकी उजागर हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस कारणों से हो रहा था, तो वहाँ पर भी आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है अपनी वैवाहिक जीवन में। वैवाहिक जीवन में भी ऐसा नहीं है कि आपको किसी लड़ाई का या मतभेद का सामना करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन साथी का हेल्थ कुछ सफ़र कर जाए या उनकी हेल्थ में किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाए, तो वहाँ पर आपको सतर्क रहना है कि उनको किसी भी प्रकार के अगर कोई हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या है या कोई शिकायत है, तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस किया जाए ताकि आगे चल के कोई बड़ी समस्या का आपको सामना ना करना पड़े। उसके अलावा हर प्रकार से ये सप्ताह आपके लिए फेवरेबल ही रहने वाला है। तो तुला राशि के जातकों के लिए सबसे पहले, तो अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जैसे अभी फ़िलहाल में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकते हैं, या कोई स्पोर्ट्स में आप कॉम्पिटिट कर रहे हैं, या किसी नौकरी के लिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ किसी भी प्रकार का अगर कोई कॉम्पिटिशन है, तो वहाँ पर आपके सक्सेस होने के बहुत ब्राइट चांसेज हैं। आप मान के चलिए कि आपके फेवर में ही रिजल्ट आने वाला है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप का जो वैवाहिक जीवन है वो एक नए मोड़ पर पहुंचेगा, नए मोड़ पर आनंददायक मोड़ पर पहुंचेगा। अगर किसी भी प्रकार की वहां पर कोई समस्याएं चल रही थी, तो वो सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और एक हैप्पी मैरिड लाइफ का आप आनंद ले पाएंगे। इसके साथ साथ इस सप्ताह में एक विशेष प्रकार का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपके अंदर आएगा, विशेषकर जो व्यापार वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं और वो अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक नई रणनीति तैयार करेंगे और वहाँ पर आगे चल के जब उसको वो एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपका बिजनेस मान के चलिए कि एक बेहतरीन तरीके से ग्रो करता हुआ नज़र आने वाला है। यानी कि या तो कोई आपको ऐसा गाइड मिल जाएगा, कोई ऐसा गुरु मिल जाएगा, या कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में आपकी प्लानिंग करवाएगा और आपकी मदद करने वाला है। अभी तक आपको संतान का सुख अगर नहीं मिला है, तो इस सप्ताह में आपको वो गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो संतान के लिहाज से भी ये सप्ताह आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सबसे पहले, तो अगर अभी तक आप किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस का शिकार हुए हुए थे, आपको फाइनेंशियल बर्डन फील हो रहा था, तो इस सप्ताह वो आपका फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी प्रकार का कोई मकान लेने का सोच रहे थे, कोई प्रॉपर्टी बनाने का सोच रहे थे, तो इस सप्ताह आपकी वो डील डन हो सकती है। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, प्रमोशन नहीं हुआ है, प्रोफेशनल लाइफ में आपको अभी तक कोई ग्रोथ नहीं मिली है, तो इस सप्ताह आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। विशेषकर वो जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, यानी कि किसी दूसरी कंपनी से आपको ऐसा ऑफर आ सकता है जिसमें अच्छे खासे आपको हाइक मिल जाए और आपकी पोजीशन भी बढ़ जाए। इसके साथ साथ अगर आप अभी तक विदेश जाने का सोच रहे थे और अभी तक अगर आपका वो सपना पूर्ण नहीं हुआ है, तो इस सप्ताह पर वो सपना भी आपका पूर्ण हो सकता है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह हर प्रकार से अच्छा ही रहने वाला है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, फाइनेंस की बात हो, या आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात हो। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। तो धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत आपको किसी न किसी प्रकार के मान सम्मान की प्राप्ति से होने वाली है। आपकी इमेज में एक निखार आने वाला है, व्यक्तित्व में निखार आने वाला है, और आपको किसी न किसी कार्य के कारण इस सप्ताह डेफिनेटली सराहा जाएगा, विशेषकर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। इसके साथ साथ इस सप्ताह के अंत तक आते आते आपको अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलने वाला है, और आप देखेंगे कि इस सप्ताह में आपकी वाणी भी काफ़ी ज़्यादा मधुर होती हुई प्रतीत होगी आपको। जैसे पिछले सप्ताह हमने देखा कि कुछ हद तक आपकी वाणी कठोर रह सकती है, लेकिन इस सप्ताह आपकी वाणी भी मधुर होगी और उस वाणी के कारण आप अपने कार्य निकालने में सक्षम होंगे। इसके साथ साथ अगर आप जॉब से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर भी आपकी जॉब उन्नति हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ आपकी ग्रोथ कर सकती है। तो धनु राशि के जातकों के लिए भी मान सम्मान के दृष्टिकोण से, फाइनेंस के दृष्टिकोण से, या पारिवारिक दृष्टिकोण से हर प्रकार से ये सप्ताह सुखद रिजल्ट लेकर आने वाला है। तो मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी नकारात्मक वे में होगी। कुछ फाइनेंशियल बर्डन्स के कारण, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के कारण, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर आपको मिल सकते हैं जिनकी वजह से आपकी फाइनेंस थोड़ा ढीला हो सकता है और उसकी वजह से आपको टेंशन हो सकती है। लेकिन सप्ताह के अंत तक आते आते वो भी आपके एक्सपेंसेस आप मेंटेन कर पाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा आपको धन लाभ हो जाएगा जिसके कारण वो आपका स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ
आप देखेंगे कि इस सप्ताह में आपके अंदर एक विशेष रूप से प्रोफेशनल लाइफ को एक जुनून सवार होगा और आप नए नए कुछ ना कुछ कार्य करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा सजेशन आपके लिए ये है कि इस समय आपको पेशेंस बनाकर रखना चाहिए और जो भी आप डिसीज़न लें उसमें अपने पिता से आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप अपने पिता से कंसल्ट करके वो कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको विशेष लाभ मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यानी किसी प्रकार की भी ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसमें सेवा दी जाती है, जैसे जो भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, चाहे ओला, उबर, जोमेटो, ये सारी जितनी भी सर्विस, इस अगर इस प्रकार की किसी भी इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। यानी कि आप वहाँ पर एक बेहतरीन एम्प्लॉई की तरह निखर कर आने वाले हैं और आपकी पदोन्नति होने की भी पूर्ण संभावना बनती है। अगर आप किसी ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे आप ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे, अभी तक आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, तो आप यकीन मान के चलिए कि इस सप्ताह में आपको ट्रांसफ़र की भी न्यूज़ मिल सकती है। तो कुल मिला के मकर राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह अच्छा ही रहने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। अगर फाइनेंशियल दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा रहने वाला है, यानी कि आपका फाइनेंस अच्छा होगा, इनकम के कुछ ना कुछ नए स्रोत आपको मिल सकते हैं, कुछ सडन गेंस भी आपको हो सकते हैं, ट्रैवलिंग भी आपकी होने वाली है, विशेषकर प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई ट्रैवलिंग आपको होने वाली है और उसके कारण आपको आगे चल के कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाली है। तो फाइनेंस और प्रोफेशन तो आपका अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है अपनी मैरिड लाइफ पर। ऐसा हो सकता है कि आप किसी की ना सुने, अपने पार्टनर की ना सुने, जिसके कारण आपका वहाँ पर तनाव बन जाए और आगे चल के आपको पछताना पड़े। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए स्ट्रॉन्ग सजेशन ये है कि आप अपनी वैवाहिक जीवन के अंदर संयम बना के रखें। अगर किसी प्रकार का भी आप पेशेंस लूज़ करते हैं और आप अचानक से कुछ रिएक्ट करते हैं और कुछ भी बोल जाते हैं तो उसके घातक परिणाम आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अगर जहाँ तक बात है आपके संतान पक्ष से, तो ऐसा हो सकता है कि आपका संतान पक्ष से आपको विदेश से जुड़ी हुई कोई न्यूज़ मिले, यानी कि या तो उनकी एजुकेशन अगर वो बाहर करना चाहते हैं तो वो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए बाहर जाने की, या अगर वो बाहर रहते हैं तो वो आपके पास मिलने भी आ सकते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ फॉरेन कनेक्शन आपकी संतान के साथ जुड़ने वाला है इस सप्ताह में और उससे आपको सुखद अनुभूति होने वाली है। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह हर प्रकार से अच्छा रहने वाला है, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, या चाहे उनके घूमने फिरने की बात हो, मौज मस्ती की बात हो, तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपके फेवर में रिजल्ट लेकर आने वाली हैं। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि आपका व्यक्तित्व इस सप्ताह आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आप कॉन्शियस रहेंगे, आप चाहेंगे कि सारी चीज़ें आपके हिसाब से, हर कोई आपका ही आज्ञा का पालन करे। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार हमारे पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, ऑल्दो कि अभी ऐसा आपकी कुंडली में प्रतीत नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आज आप एक्शन करेंगे उसका आगे चल के रिएक्शन भी हो सकता है। तो अगर आप पेशेंस, आप रिएक्शंस नहीं देते हैं विशेषकर पर्सनल लाइफ में, तो आपका ये सप्ताह हर प्रकार से, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, घूमने फिरने की बात हो, खाने पीने की बात हो, मौज मस्ती की बात हो, तो हर प्रकार से आपको सेटिस्फाइड करने वाला होगा। तो ये थी 12 राशियां जिनके बारे में आपने जाना कि कैसे हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं।